अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और डिफरेंट न्यू वीडियो। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैंडेलिक सीरम की। मैंडेलिक एसिड 20% जैन फार्मा का है ये। आई थिंक इसकी प्राइस 798 इसके प्राइस है। इसकी पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। कार्डबोर्ड में है सीरम जो है वो इस तरह से, इसके इस तरह की बॉटल में। मैं इसको 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसका कार्डबोर्ड वगैरह उठा के रखा था कि मैं आपको जो है इसकी रिव्यू वीडियो करूँगी इंशाल्लाह। एंटी एक्नी, स्किन ब्राइटनिंग, एंटी रिंकल्स क्लेम कर रहे हैं ये। इसके अंदर 20% जो है वो मैंडेलिक एसिड है। मैं इसको रात में लगाती हूँ, नहीं रात में कभी कभी लगाती हूँ। वैसे मैं इसको 4-5 बजे के टाइम लगाती हूँ, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं फेस वॉश कर देती हूँ। मैंने इसकी हाइप देखी थी कि बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वो बहुत सारे ब्लॉगर्स ने भी जो है वो इसके बारे में इसके बारे में बात करी है। इसका पंप वगैरह बहुत अच्छा, पैकेजिंग अच्छी है। इसकी स्मेल थोड़ी सी एसिड जैसी है, तो थोड़ी सी जो है वो इरिटेट करता है। इसके 2 से 3 ड्रॉप लेने हैं आपको, इस तरह से आपने लेना है। ड्रॉपर वगैरह सब बहुत है, 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3। जहाँ जहाँ आपको एक्नी है वहाँ वहाँ आपको इसको लगाना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है बहुत ज़्यादा, तो आपको इससे पहले जो है वो आप कोई भी जो है वो अपने फेस पे लोशन, निविया, वैसे मैं ज़्यादातर जो है वो निविया की जो है वो ऑयल कंट्रोल क्रीम जो है, मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ करती हूँ, वाइट वाली वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये लगा लेती हूँ। मेरे फेस पे कोई इरिटेशन नहीं हुई, कोई इचिंग नहीं हुई, कोई ड्राइनेस नहीं हुई। मेरा फेस ऑयली बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो मुझे इसको लगाते हुए 1 मंथ हो गया है गाइस, लेकिन मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। जितना यानी मैंने इसको जितने उससे लिया था, मतलब ये कि मैंने बड़ा इसको मैजिकल समझ के लिया था कि मैंने ये ले लिया है, मेरी एक्नी, स्कार्स, सब कुछ जो है वो यूँ चुटकी बजाऊंगी मैं और गायब हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 मंथ हो गया है यूज़ करते हुए, तो आई थिंक मैं इसको 2 से 3 मंथ और यूज़ करूँगी। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। एक्नी से कंट्रोल हुई है, कम हुई है, माइनर सी, यानी कि 100 में से 10% या 12-15% समझ लें कि कम हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम हो गई या मुझे जो है वो बहुत वाजह कोई फ़र्क मिला है। बस अभी तक 1 मंथ जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको, ये सोसो है। बाकी पैकेजिंग वगैरह बहुत क्यूट सी है इसकी, और प्राइस भी इसके मुनासिब हैं, रिजनेबल हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस इसके नहीं हैं। तो ये कि मैं इसको 2 मंथ और यूज़ करके देखूँगी कि इसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिला। मेडिकेटेड कंपनी है जान फार्मा। इसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना, इसका मॉइस्चराइज़र वगैरह भी जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो ब्लॉगर्स वगैरह सब बहुत बात कर रहे हैं इसकी। और इन्होंने आई थिंक कोई डील भी दी हुई है, बंडल डील दी हुई है। अगर आप उससे लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, और फिर इसके रिव्यूज़ मुझे बताइएगा कि आप लोग को इसके कैसे रिज़ल्ट मिले। कमेंट्स में बताएं मुझे इसके रिव्यूज़। वैसे मेरी तरफ से ये सोसो है, मैजिकल बिल्कुल नहीं है। और अब इसको और यूज़ करके देखते हैं। लेकिन इससे मेरे फेस का ऑयल ज़रूर कंट्रोल हुआ है, क्योंकि मेरा फेस ऑयली है, तो इससे मेरे फेस का ऑयल कंट्रोल हुआ है। आप लोग लेकर इसको देखें और ट्राई करें, और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मैंडेलिक एसिड का जो है वो सीरम का रिज़ल्ट कैसा मिला। ठीक है। अच्छा, बहुत से मैं आपको एक बात बता दूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं वो इसको रेगुलर यूज़ नहीं करें, वो एक दिन छोड़कर एक दिन यूज़ करें, क्योंकि ये एसिड है, हो सकता है उनकी स्किन पे जो है वो थोड़ा इरिटेट करे। ठीक है। बाकी मैं इसको आजकल रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे जो है ना ये सूट कर गया है। मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही, कोई जो है वो टिंगलिंग जैसी एक होती है ना, इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो स्किन पे एक टिंगलिंग सी होती है, वो कुछ भी नहीं हो रही। बिल्कुल सुकून में मेरा फेस लगाने के बाद, मेरा ना ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस जैसे आ जाती है, वैसे ड्राइनेस आ रही है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप भी इसको यूज़ करें और इसके बारे में मुझे रिव्यू करें, अपनी जो है वो
बताएं आपका जो है एक्सपीरियंस पेंडलिक एसिड के साथ कैसा रहा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक को मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।